नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में मैं स्मिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। कृषि और नक्षत्र में हम आपको बताते हैं सितारों के मुताबिक कैसा रहेगा आपका पूरा सप्ताह। आज हम आपको बताएंगे 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक कैसी रहेगी सितारों की चाल 12 राशियों के लिए। और आपका राशिफल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक कैसी रहेगी सितारों की चाल। और सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि का राशिफल क्या कहता है इस सप्ताह? मेष राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव अर्थात वृषभ में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिससे कि आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, व्यापार में यथेष्ट लाभ भी प्राप्त होगा और लाभ के साथ साथ आपके परिवार में खुशियां भी आएंगी, अर्थात परिवार प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है मिश्रित रंग। तो मिश्रित रंग से यहाँ ये समझना चाहिए ऐसा रंग जिसमें तमाम एक से अधिक रंगों का समावेश हो, ऐसे रंग को आप यदि प्रयोग करेंगे अवश्य लाभ मिलेगा। तो मेष राशि वालों को सप्ताह पर्यंत करना है मिश्रित रंगों का इस्तेमाल, मिश्रित रंग आपके लिए ये सप्ताह उत्तम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। पंडित जी, वृषभ राशि का राशिफल भी बताएं। वृषभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह आप अपने ऊपर बहुत भरोसा रखें, अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें और जो भी काम करें उस काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, तभी लाभ होगा। इसके कारण आपके रोजगार में जो विलंब हो रहा है, जिसमें बाधा आ रही है, वो समाप्त हो जाएगी यदि खुद के ऊपर आप विश्वास रखेंगे, क्योंकि आपके अपनी खुद की राशि में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इंसान को बार बार मानसिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पे अपने किसान भाइयों के लिए विशेष बात, किसान भाई जरा सावधानी रखें, किसी भी प्रकार की सलाह लेने से पहले, कृषि संबंधी वैज्ञानिक सलाह हो या कुछ भी सलाह यदि आप ले रहे हैं अपने काम को लेकर के, तो उसमें आप 10 बार सोच लें किसी की भी बात मानने से पहले, उसके होने वाले अच्छे या बुरे जो भी परिणाम हैं उस पर चर्चा कर लें, फिर ही किसी की सलाह आप स्वीकार करें। और कुसंगति से भी बचने की आवश्यकता है इस सप्ताह। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है दूधिया रंग, अर्थात दूध के जैसे रंग का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा इस सप्ताह। एक बहुत अच्छी बात जो पंडित जी ने वृषभ राशि वालों के लिए बताई है वो ये कि खुद पर विश्वास रखें, दूसरे आप पर विश्वास करें उससे पहले जरूरी है कि आपको खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं इस सप्ताह? मिथुन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह मिथुन राशि के दर्शक अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्किंग फील्ड में जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका संपूर्ण फल मिलेगा, अर्थात जो चाहते हैं वो अवश्य होगा इस सप्ताह। आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सोशल लेवल बढ़ेगा। और यदि आप किसी विदेश की संस्था से व्यवसाय करते हैं, विदेशी संस्था से आपका संबंध है व्यवसायिक, तो उसमें आप निवेश कर दें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है सुनहरा गोल्डन। आप इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है आपका सुनहरा। अगली राशि की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए या फिर मेल के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि का राशिफल बताएँ। कर्क राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ है। तकलीफ क्या है? आपका कोई पुराना रोग जो कि समाप्त हो गया था पुनः आपको परेशान कर सकता है, उभर के वापस आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छा संकेत है, पार्ट टाइम ही सही लेकिन कुछ आपको रोजगार अवश्य मिलेगा इस सप्ताह। आप किसी निजी कार्य के लिए सप्ताह के अंत में समय निकालेंगे और उस निजी कार्य को आप अच्छे ढंग से संपन्न भी
कर लेंगे और जितना समय उसमें लगना चाहिए उससे कम समय में भी अपने सारे निजी कार्य आप निपटा लेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सफ़ेद, क्योंकि 2 चंद्रमा का अंक है और चंद्रमा का जो रंग ज्योतिष कहता है वो सफ़ेद कहता है। प्रायः चंद्रमा के अधीन आने वाली समस्त वस्तुएं सफ़ेद रंग से ही प्रभावित होती हैं और सफ़ेद रंग की ही होती हैं, इसलिए आप सफ़ेद रंग का और 2 अंक का आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ इस सप्ताह मिलके ही रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है आपका सफेद। चलिए फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी बची राशियों की, साथ ही लेंगे आपके सवाल भी, बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कैसा रहेगा आपका भविष्य 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की बात करें, उससे पहले एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक दर्शक है, उनका सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। हर्षद वीर कौर जी हैं, ये जानना चाहती हैं अपनी जॉब के बारे में। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1987 और समय है जन्म का 7:10 सुबह जी, और जन्म स्थान है इनका पंजाब के रोपड़ जिले में जी। क्या इनको जॉब कब तक मिलेगी जी? जी हर्षद वीर कौर जी की जो जन्म कुंडली है 26 सितंबर 1987 सुबह 7:10 पे, यहाँ बताऊँ कि इनकी कन्या लग्न कुंडली है और जन्म राशि है तुला। वर्तमान में शनि की महाशय चल रही है और शनि में बुध का अंतर है, इसलिए परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। बहुत शीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस अप्रैल तक अच्छी नौकरी, अच्छा रोजगार प्राप्त हो ही जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपकी कुंडली का दोष नहीं है, हो सकता है ये एक मार्केट की वजह से या ऐसा सबके साथ हो रहा है, इस वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, एक सार्वजनिक समस्या कारण, कोई पर्सनल इशू नहीं है आपका। तो जब भी थोड़ा सा भी समय अच्छा होता है तो आपकी नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा 15-1 दिन के अंदर लग जाएगी, आप परेशान कतई ना हो, खास करके नौकरी के लिए। तो जीवन में कभी भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका दशमेश बुध स्वयं धन के स्थान में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और लाभेश और दशमेश की जब युति होती है तो ऐसा इंसान कभी किसी भी हालत में बेरोजगार हो ही नहीं सकता है, हर समय कुछ न कुछ कमाता ही रहता है, इसलिए काम को लेकर के तो आपको कभी चिंता करने की आवश्यकता करनी ही नहीं चाहिए। तो हर्षित वीर कौर जी, जो आपकी कुंडली बता रही है, जो आपके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है आपके ग्रहों की स्थिति, इसलिए आपको जॉब के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। पंडित जी, सिंह राशि के राशिफल के बारे में भी बताएं। सिंह राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह इनका जो समय है, सप्ताह के शुरुआत में माता पिता के साथ रहेंगे, माता पिता के साथ अपना समय बिताएंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है, अच्छा संकेत है जीवन के लिए। इस सप्ताह ये वाहन खरीदने का भी मन बना रहे हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, और जो इनके अंदर एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है, योग्यता है व्यवसाय की, उसका ये संपूर्ण प्रयोग इस सप्ताह करेंगे, उसका अवसर इन्हें प्राप्त होगा और जिसे इन्हें सम्मान भी मिलेगा अच्छा खासा। इस सप्ताह इनका शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है मैरून, अंक का भी प्रयोग करिए और रंग का भी प्रयोग करिए, जिससे आपकी सफलताएँ आपको जल्दी से मिल जाएँ, कम परिश्रम से अधिक सफलता यदि पानी है तो इन चीज़ों का आप प्रयोग करें। उपाय आपको बता रहे हैं पंडित जी राशि के मुताबिक, अगर आपको सफलता पानी है, अच्छा शुभ फल पाना है, तो इन उपायों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा 5 फरवरी से 11 फरवरी तक? कन्या राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी सी सेहत से पीड़ा होगी, सेहत खराब हो सकता है, लेकिन सप्ताहांत अर्थात गुरुवार के बाद आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। हाँ, एक विशेष बात यहाँ बताऊँ अपने किसान भाइयों के लिए कि किसी भी प्रकार का निवेश किसी भी चीज़ में आप कतई ना करें, कुछ भी खरीद के नई वस्तु ना लाएं, चाहे कृषि कार्य के लिए ही क्यों ना हो, आप इस सप्ताह कोई नई खरीदारी ना करें, क्योंकि आपको इस सप्ताह अच्छा सौदा नहीं मिलेगा। हाँ,
प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों को इस सप्ताह पूर्ण सफलता मिलने के योग हैं कन्या राशि के लोगों के लिए। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है हरा। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, आपका जीवन बहुत सुंदर है। तो कन्या राशि वालों के लिए शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 3। अगली राशि की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि आज हम अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि नवरात्र साल में 2 नहीं 4 होते हैं। जी हाँ, 2 नवरात्र होते हैं जो सदृश होते हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं, जिनमें पूजा पाठ हम करते हैं, और 2 होते हैं गुप्त नवरात्र। क्या होते हैं गुप्त नवरात्र, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि का राशिफल बताएं। तुला राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह आप अपने कारोबार, अपने व्यवसाय के विस्तार में लगे रहेंगे। आप और कोई काम करने ही नहीं पाएंगे, सिर्फ व्यवसाय व्यवसाय व्यवसाय। हाँ, जो बौद्धिक कार्य करने वाले लोग हैं, जो पढ़ते पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस सप्ताह बहुत अधिक सफल रहेंगे। कहीं ना कहीं वो जो भी करेंगे उसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। इस सप्ताह किसान भाई जो भी योजना बना रहे हैं, जो भी निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं, अर्थात जो भी काम करना चाह रहे हैं हमें किसान भाई, मैं उन्हें कहता हूं पूरे मन से करें, पूरे दिल से करें। सारे निवेश, सारे काम आपके शुभ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लाभदायी रहेंगे। इस सप्ताह शुभ अंक है आपका 2 और शुभ रंग है क्रीम। आप क्रीम रंग का प्रयोग करें अपने जीवनचर्या में, निश्चित रूप से आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। लकी नंबर है 2 और लकी कलर है आपका क्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। जानते हैं क्या कहते हैं वृश्चिक राशि के सितारे इस सप्ताह। पंडित जी, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि वृश्चिक राशि के लोगों के जो व्यावसायिक प्रतिद्वंदी हैं, कारोबार में जो आप से कहीं ना कहीं कंपटीशन रखते हैं, ऐसे लोग शांत हो जाएंगे, अर्थात आपके साथ कंपटीट नहीं कर पाएंगे। आपकी मेहनत और त्याग से सफलता आपके कदम चूमेगी, अर्थात आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल इस सप्ताह आपको मिलेगा, और उसके बल से आप संपत्ति का कोई बड़ा सौदा करेंगे, अर्थात कोई बड़ा एसेट बनाने में कामयाब होंगे इस सप्ताह। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल। लाल रंग का प्रयोग करिए, और हो सके तो 9 के तारीख का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, 9 के अंक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से आपके लाभ का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है आपका लाल। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको क्या होते हैं गुप्त नवरात्र, कब पड़ते हैं गुप्त नवरात्र, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद होंगी बाकी की राशियां भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं आपके पूरे सप्ताह का हाल आपकी 12 राशियों के मुताबिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। पंडित जी, धनु राशि का राशिफल भी बताएं। धनु राशि के अपने किसान भाइयों को बताऊं, किसान भाई थोड़ा धैर्य रखें, अभी वक्त आपके अनुकूल नहीं है, अर्थात जो करेंगे उसमें यथेष्ट सफलता नहीं मिलने वाली, थोड़ा शांत रहें, धैर्य रखें। और चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से काम में भी आपका मन नहीं लगने वाला है इस सप्ताह, यदि आप सफल होना चाहते हैं इस सप्ताह, कुछ करना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें आप गांठ बांध लें। एक तो आप अपने अंदर धैर्य रखें, और दूसरा आलस्य का त्याग कर दें। यूं ना सोचें कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो मेहनत क्यों करना, इस विचार को त्यागें, अपना काम आप करते रहें, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। इस सप्ताह शुभ अंक है आपका 3 और शुभ रंग आपका है पीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो धनु राशि वालों के लिए शुभ अंक है आपका 3 और शुभ रंग है आपका पीला। चलिए अगली राशि की बात करें, उससे पहले जानते हैं गुप्त नवरात्र क्या होते हैं। पंडित जी, हमने जो अक्सर जो हमारे चलन में हैं, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, वो 2 नवरात्र होते हैं, एक होते हैं वासंतिक और दूसरे होते हैं शारदीय, लेकिन 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं, वो कब कब पड़ते हैं और उनके होने का ज्योतिष में क्या महत्व है जी? देखिए स्मिता जी,
नवरात्र की जब बात करते हैं, नवरात्र का जो वर्णन है वो हमारे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णित है। जैसा कि आपने कहा कि वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये दो नवरात्र तो सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दो नवरात्र और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। अर्थात जिस नवरात्र में सिर्फ साधक, पुजारी या शक्ति के उपासक विशेष रूप से करते हैं, आम जनमानस उसका प्रयोग नहीं करता है, वो सिर्फ दो नवरात्रों के बारे में जानता है। एक तो वासंतिक नवरात्र जो कि चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तक रहता है। दूसरा शारदीय नवरात्र जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर के आश्विन शुक्ल नवमी तक रहता है। ये तो दो नवरात्र अमूमन हमारे सभी दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानती हैं, अभी आपने उसको बताया भी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो दो नवरात्र हैं उसको भी बता देता हूँ। पहला गुप्त नवरात्र जो होता है वो होता है वर्ष के चैत्र नवरात्र के बाद आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तक, ये प्रथम गुप्त नवरात्र है जो कि चैत्र नवरात्र के बाद आता है। अब दूसरा जो गुप्त नवरात्र है वो शारदीय नवरात्र के बाद आता है। वो कब है? वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तक रहता है। ये दो गुप्त नवरात्र हैं, एक आषाढ़ का और एक माघ का। इस प्रकार से कुल चार नवरात्रों की व्यवस्था हमारे शास्त्र में दी गई है। दो प्रकट है जो कि आम जनमानस जिसका पूरा सांस्कृतिक प्रोग्राम करता है, एक बड़ी बृहद रूप में पूरे देश में ये मनाए जाते हैं शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा के साथ साथ, और एक नवरात्र रामनवमी के आयोजन के साथ मनाई जाती है। उसकी पूर्णाहुति रामनवमी के दिन की जाती है, जिस दिन भगवान मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था। ये कुल चार नवरात्र हमारे शास्त्र में हैं। यदि कुछ विशेष पूजा करना चाहते हैं, कोई विशेष आपकी मनोकामना है, तो आप इन दो नवरात्र में भी कर सकते हैं, माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर माघ शुक्ल नवमी तक और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के आषाढ़ शुक्ल नवमी तक। आप पंचांग में देख करके ये जान सकते हैं कि ये नवरात्र कब से शुरू होकर के कब समाप्त हो रहे हैं, और दो ये जो नवरात्र हैं गुप्त उतने ही फलदायी हैं जितने कि वो दो प्रकट नवरात्र फलदायी होते हैं। तो गुप्त नवरात्र क्या होते हैं और दृश्य नवरात्र क्या होते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया। साल में कब कब ये नवरात्र पड़ते हैं ये भी आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। पंडित जी मकर राशि का राशिफल बताएं। मकर राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, आप अच्छा ऊर्जावान और खुद को शक्तिमान महसूस करेंगे इस सप्ताह। कारोबार में मेहनत के अनुसार आपको फल मिलेगा, जितना काम करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। आप एक यात्रा करने वाले हैं इस सप्ताह जो कि आपके प्रयोजन के अनुकूल होगी, अर्थात किसी उद्देश्य विशेष से आप इस सप्ताह यात्रा कर सकते हैं। इस सप्ताह शुभ अंक है आपका 4 और शुभ रंग है आपका काला, लेकिन आप काले रंग का प्रयोग सिर्फ शनिवार के दिन करें, बाकी अन्य दिन ना करें। शनिवार के दिन आपको ये रंग बहुत अधिक लाभ देगा क्योंकि आपकी राशि है मकर और मकर के जो राशि स्वामी हैं वो शनि और उनका खुद का रंग है काला, इसलिए आप काले रंग का प्रयोग शनिवार के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको विशेष चीजों की सिद्धि होगी, विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो आपको बता दिया है पंडित जी ने कि 4 नंबर है आपके लिए शुभ और साथ ही काला रंग आपके लिए शुभ है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप शनिवार को करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। जानते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि का ये सप्ताह। पंडित जी कुंभ राशि का राशिफल भी बताएं। कुंभ राशि के दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह हमारे किसान भाई अपने पशुओं के प्रति सतर्क रहें, पशुओं की देखभाल विशेष तौर पे करें, वो बीमार ना होने पाए, क्योंकि पशुओं से आपको नुकसान दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। हाँ, आपके परिजनों के मध्य आपके संबंध जो है वो मधुर रहेंगे, परिजनों से आपके रिश्ते सुधरेंगे, और तो और इस शरद ऋतु में अपने पशुओं के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखें क्योंकि आपको भी अस्वस्थता हो सकती है। इस सप्ताह शुभ अंक है आपका 8 और शुभ रंग है नीला, दोनों चीजों का प्रयोग करें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए शुभ अंक 8 है और शुभ रंग नीला है। चलिए बात करते हैं आखिरी राशि मीन की, जिसका इंतजार सबसे लंबा होता है। जानते हैं कैसा रहेगा मीन राशि का ये सप्ताह। पंडित जी मीन राशि का राशिफल बताएं।
मीन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह व्यवसाय में जो आप श्रम कर रहे हैं उसका थोड़ा सा फल कम मिलेगा, लेकिन निराश ना हो, निराशा में आकर के किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद ना कर बैठें। आपके हितकारी मित्र इस समय, इस सप्ताह आपके प्रति अपनी घनिष्ठता दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, उसको आप खुले दिल से स्वीकार करिए। हमारे किसान भाई जो कि कृषि यंत्रों के ऊपर निर्भर हैं, कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, उनके कृषि यंत्र बार बार खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में वो ये ना समझे कि उनकी लापरवाही से या उनके किसी सहयोगी के लापरवाही से वो यंत्र खराब हो रहे हैं। उसके खराबी का जो कारण है वो वर्तमान की ग्रह स्थितियाँ हैं। ये ग्रह स्थिति जब बदलेगी तो यंत्र आपके पुनः पूर्ववत यथाशक्ति काम करना आरंभ कर देंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है सुनहरा। इन दोनों चीजों का प्रयोग करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। तो मीन राशि वालों के लिए शुभ अंक 3 है और शुभ रंग आपका सुनहरा है। आपकी 12 राशियों की चाल सितारों के मुताबिक कैसी रहेगी इस सप्ताह आपको पंडित जी ने बता दिया है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उनकी राशियों से संबंधित देने के लिए। जी आपको भी धन्यवाद। जी तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। साथ ही होंगे आपके सवाल और उनके जवाब भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और कृषि व ग्रामीण विकास की खबरों के लिए देखते रहिए ग्रीन टीवी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9769577049। हमारे फोन नंबर्स हैं 0114601604 और 4601050। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com।